मैंने आपको दिखाया था कि चार चार एडॉक्स है वैसे। ये तो फर्स्ट ही लगा रहे हैं आरसीबी के, ये देख रहे हैं आप, ये होगी अब आपकी सॉफ्ट बम्पिंग, फुल सिस्टम में लगाया गया है, ये देख सकते हैं। भैया ये कह रहा था कि मुझे साउंड ज़्यादा नहीं चाहिए तो इसलिए हमने ये लगाया इसके अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, मैं हूँ आपका अपना राज भाई और आज आपके साथ मल्टीपल बाइक्स दिखाने वाला हूँ, सबकी वीडियो लाऊंगा एक एक करके। देख सकते हैं ये भी हमारी वीडियो देख कर आई है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और काम की वजह से आते हैं, वैसे कोई नहीं आता किसी के पास। जब काम अच्छा मिलेगा, रेट अच्छे मिलेंगे, चीज़ अच्छी मिलेगी और व्यवहार अच्छा मिलेगा तभी बंदे आते हैं। आप ये देखिए फर्स्ट एक्सट्रीम, ये हो रही है फुल लोड, इसकी वीडियो दिखाऊंगा अलग से आपको। और इधर देखते हैं, ये आई है फिरोजाबाद से हमारे पास, इसको भी आप चेकआउट कर लो। ये बाइक आपकी रेडी हो रही है पूरी, लमसन काम समझ, लमसन समझ चल रहा है। और अब दिखाता हूँ आपको अंदर, जिसकी आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। एक हमारे पास ये भी है हरियाणा से गाड़ी, ये भी होने वाली है फुल लोड, जो कि आप 100% काम स्टार्ट हो चुका है इसका भी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि चार चार एरोक्स है वैसे, तीन नहीं चार एरोक्स, एक ये है इसमें, ये तो है फुल लोड, इसकी वीडियो मिलेगी आपको अलग। जैसे देखते हैं आपका कॉम्बो किट लग चुका है, टेल टेडी लग चुकी है, टायर अगर लग चुका है, एग्जॉस्ट लैडर लग चुके हैं, आगे फॉर्क फॉक्स लैडर और इसका टैंक पैड जो लग चुका है, और भी इससे बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, इसको दिखाऊंगा सबसे एंड में अलग से। बट अभी के जो सिनेरियो दो वीडियो दिखाऊंगा आपको, एक है आपकी फुली एग्जॉस्ट की जो इसके अंदर है, और उससे पहले मैं कवर करता हूँ वो वाली, क्योंकि ये गाड़ी रेडी हो चुकी है और इसके बाद मैं दिखाऊंगा इसकी। तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं। सीबी के जो आप थे, जो मैंने बताया था कि इस एरोक्स के अंदर लगने वाले थे, ये आ चुके हैं, देख सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसमें दिखाते हैं कैसे हैं, लुकिंग कैसी आती है, और फिर फिट करके दिखाते हैं। फिर जो मज़ा आने वाला ना आपके एरोक्स के अंदर, वो ज़बरदस्ती मज़ा आएगा फिर इसके अंदर। तो ये रहे, अब इसको लगाते हैं और फिर लगा के देखते हैं कि इसके अंदर कितना मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम ये तो फर्स्ट ही लगा रहे हैं आरसीबी के। वैसे हम इम्पोर्टेड वाले लगाते थे जिसमें किसी को मज़ा आता किसी को नहीं आता। तो अब करते हैं फिट और फिर उसके बाद दिखाते हैं इसकी लुकिंग और इसके अंदर जो सॉफ्टनेस है कितनी आती है इसके अंदर। तो इसके अंदर फिट होंगे वो ओरिजिनल वाले, इसके निकाल दिए गए जो देख सकते हो, ये निकले हुए हैं इसके, और अब करते हैं फिट। मैंने आपको दिखाए थे आरसीबी के शॉकर, जो कि मैंने आपको दिखाए थे, इसी वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और इधर देखिए फिटमेंट इसकी हो चुकी है पूरी कंप्लीट, जो कि आप देख सकते हैं इधर भी सेम, इधर का आरसीबी का ओरिजिनल है। और अब मैं दिखाता हूँ जिन लोगों को बंपिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो स्टैंड से उतर के दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये होगी अब आपकी सॉफ्ट बम्पिंग, क्योंकि नॉर्मली अगर हम इम्पोर्टेड वाला लगाते ना तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सस्ते भी होते हैं। अभी सिंपल सी बात है, एक चीज़ आपकी है समझ सकते हो, रेट तो आपको मैं बताऊंगा उसके अंदर, जब आप मुझे DM करोगे या आप मुझे WhatsApp डालोगे तो मैं रेट बता दूंगा। बट RCB के जो भी होते हैं ना, वो सारे होते हैं कॉस्टली। तो ये हैं इसके RCB के शॉकर, जो कि मैंने दिखाया, बम्पिंग मैंने चेक करा दी, बहुत ही अच्छे हैं लुकिंग वाइज भी और साथ में क्वालिटी भी एक नंबर है। अब इसको हटाते हैं, बाकी इसमें तो सीट उन्होंने भैया ने पहले से करा रखी गुर्जर, और बाकी छोटा मोटा काम जो था बाद में कराएंगे भैया, फिलहाल इनका मेन ये था। तो ये तो हो गई वीडियो कंप्लीट। अब है ना एक छोटा सा इंट्रो भैया से, भैया ना थक चुके हैं हालाँकि, क्योंकि ये सवेरे आए थे मेरे पास और ये क्या ऑर्डर पर मंगाने पड़ते हैं, टाइम लग जाता है इसके अंदर, तो टाइम थोड़ा भैया का सुनते, भैया की परेशानी, और तो परेशानी नहीं सुनाएंगे भैया, सीधा भैया हैप्पी को सुनाएंगे उनको कैसा लगा। आइए भैया, तो भैया पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से आए बताएं। राहुल द्वारका से आया हूँ मैं, अच्छा लगा शोकर देख के। जो पहले वाले थे मेरे वो बहुत ज़्यादा टाइट थे, उसमें ज़्यादा कमर में पेन भी हो था, लेकिन ये थोड़ा कंफर्टेबल है। पैसा मोटा खर्च करेंगे तो मज़ा भी पूरा लेंगे। हाँ वो तो है। तो भैया सेटिस्फाइड हो आप? हाँ जी बिल्कुल। तो ऑल अबाउट भैया सेटिस्फाइड, सुबह सुबह आए तो भैया 10 से 11 बजे करीब, लेकिन ये है कि परेशान इसलिए हो गए, टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है, ढाई, तो थोड़ी परेशानी के कारण ये होता है कि टाइम लग जाता है, क्योंकि ये चीज़ ऑर्डर पे आती हैं इसलिए टाइम लगता है। बाकी आप ऑल ओवर सेटिस्फाइड हैं भैया, भैया कोई आना चाहे तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल आओ, बहुत अच्छा लगा इधर आके, बहुत ज़्यादा गाड़ी है, बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है, ऐसे जगह एरोक्स एरोक्स दिख रहा है। ये एरोक्स मिनी शोरूम हमारा, और यामा वालों आप भी देख लो, आप भी हमें स्पॉन्सर कर दो, कि आपकी इतनी सारी हम स्कूटियाँ मॉडिफाइड कर रहे हैं तो समझ सकते हो, और हमारे जितने चैनल में देखो ना तो हमारी शायद 70-80% हमारे चैनल में मिलेगी आपको एरोक्स की वीडियो। तो ये हो गई कंप्लीट, अब दिखाता हूँ आपको दूसरी। तो थैंक यू भैया। तो अब मैं सुनाता हूँ आपको इसकी एग्जॉस्ट के साउंड, जो कि मैंने दिखाया था फुल सिस्टम में लगाया गया, ये देख सकते हैं। ये था इसका एग्जॉस्ट का बैंड पाइप, और ये है आपका एग्जॉस्ट जो इसमें लगाया है, इसकी मैं सुनाता हूँ साउंड DB कलर के साथ, क्योंकि भैया जो ना, भैया ये कह रहा था कि मुझे साउंड ज़्यादा नहीं चाहिए तो इसलिए हमने ये लगाया इसके अंदर। सुनवाता हूँ इसकी साउंड, ये देखिए। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है इसकी, बट फिर भी अगर जो तो कुछ लोगों को अगर और भी ज़्यादा इसके अंदर साउंड कम करानी है तो इसका देखिए, ये आता है कैथलिंग कन्वर्टर, ये कैथलिंग कन्वर्टर आता है, इसको हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे ना तो आवाज़ एक तरीके से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी इसे लगाने के बाद।
तो ऑल अबाउट इसको मैंने दिखा दिया। इसकी मैं ज़्यादा एक्सोस इसलिए सुना पाया क्यों ना, थोड़ा रश आप देख सो ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो मैं इसकी नहीं ले पाया, तो आप समझ सकते हो। बाकी मैं फुल वीडियो दिखाऊंगा, वो उसकी दिखाऊंगा। बाकी इसमें आपके दोनों कवर हो गई, और मैं लाता हूँ भैया से कि उनको कैसा लगा हमारे यहाँ का एग्जॉस्ट जो हमने लगाया। तो पहले तो नाम बताइए और कहाँ से आए बताइए। मैं तिलकनगर से आया हूँ, मनदीप सिंह मेरा नाम है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया लगा, और जो उसकी फिटिंग अच्छी करवाई है आपने, आवाज़ भी अच्छी है और सब कुछ बढ़िया है, रेट भी बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा नहीं है। बहुत बढ़िया लगा आपसे फिटिंग, जैसे कि पहले ही आपने देखी थी लड़के ने जो करी थी, फिर उसका मेरे को नहीं पसंद आया, तो मैंने फिर आपने फिर चेंज करवाई है फिटिंग, तो और अच्छी लगी फिटिंग। देखो ये जो है ना, अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है, जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत से लड़के स्टाफ तो वगैरह हमारा सारा ट्रेंड है, बट फिर भी 19-20 का अगर मुझे कोई दिक्कत लगती है ना, तो मुझे खुद को काम आता है। मैं हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रहता हूँ कि कस्टमर को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो उस केस में जब मैंने देखा इसकी फिटमेंट में जो कोई डाउट हुआ, तो मैंने दोबारा खुलवा कर इसकी फिटिंग ओके करवाई। तो इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, क्योंकि आजकल पता है 90% मार्केट के अंदर 90% आपको शॉपकीपर से मिल जाएंगे बहुत सारे, बट उन शॉपकीपर को नॉलेज नहीं होती, जिससे क्या होता है कस्टमर को फेस करना पड़ता प्रॉब्लम। क्योंकि आज तो यहाँ चले जाते, कल को आप कहते यार चीज़ तो अच्छी लगा दी, पैसे भी सही ले लिए, बट यार वो जुगाड़ अजीब लग रहा है यार, जुगाड़ तो वो चीज़ जो है ना मेरे पास नहीं होता है। मैं खुद उस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे दिखता है प्रॉब्लम तो उसको मैं खुद ही ओके कराता हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ हमेशा एक्सपीरियंस पे जाएंगे, आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, काम का भी, रेट का भी, प्लस क्वालिटी का भी, तीनों जगह डिफरेंस आपको वहाँ नज़र आ जाएगा, जो कि मिलेगा आपको राजू भाई के पास। अपनी शॉप है वो बता दूँ कहाँ पर है, दिल्ली करोल बाग नाई वाले के अंदर, जो कि बैक साइड में मिलेगा 36 नंबर गली, और फ्रंट में देखेंगे तो आपको मिलेगा आर्य समाज रोड, मेन रोड पर शॉप है। जब भी आप आना चाहें आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजू भाई आपको हमेशा मिलेगा यहाँ पर, और राजू भाई को देख कर आएँ तो ध्यान रखें, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना राजू भाई SKD को। और किसी भी सामान को आपको रिक्वायरमेंट हो, आपको कहीं मंगाना हो, तो सीधा डिस्क्रिप्शन नंबर डला हुआ है, लोकेशन डली हुई है, प्लस आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप किसी पर भी आप मुझे कॉल करके व्हाट्सअप करके आप घर मंगा सकते हो, चाहे वो RCB का कोई भी सामान हो या किसी और बाइक का भी या किसी स्कूटी का, कुछ भी कैसा भी मॉडिफिकेशन है सारी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, जब तक जश्न में बता दें, गुड बाय।